हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वाचिंग एटीवी। आज की इस वीडियो में हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे। यह भी एक इंडिकेटर है। इससे पहले भी मैंने कई इंडिकेटर्स पर वीडियो बनाया है। आपने यदि उन वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को क्लिक कर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज किस तरह अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कि कौन सा अभिकारक एसिड है या कौन सा अभिकारक एल्कली है। मतलब ये किसी भी अभिकारक का एसिड नेचर या एल्कली नेचर को हमें कलर चेंज करके बताता है। तो इस वीडियो में हम एक छोटे से प्रयोग करके इसे देखेंगे। सबसे पहले एक बीकर में हम साधारण सा पानी लेते हैं और उसके अंदर ये मिथाइल ऑरेंज जो कि पाउडर फॉर्म में होता है और ऑरेंज कलर का दिखता है, आपको दिख रहा होगा, इसके थोड़े से हम चूर्ण को इसके अंदर डाल लेते हैं। इतना काफी होगा। इसे अच्छे से सेक कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसे सेक कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर का हो गया है। इसे बराबर बराबर तीनों बीकर में हम ढाल लेंगे। हमने बराबर बराबर तीनों बीकर में इसे रख लिया। अब हम तीनों बीकर में एक एक अभिकारक को घोलेंगे। पहला बीकर में पानी है जो कि एक न्यूट्रल है। दूसरा बीकर में हम लेमन जूस को डालेंगे क्योंकि लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, तो ये एसिड नेचर का हो जाएगा, तो इसमें हम लेमन जूस को डालते हैं। इतना काफी होगा। और तीसरे वाले में हम डिटर्जेंट को डालेंगे जो कि डिटर्जेंट होता है वो एल्कली नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है, तो ये पानी बेसिक हो जाएगा, मतलब एल्कली नेचर का हो जाएगा। थोड़ा और इसे अच्छे से सेक कर लेंगे। इसे अच्छे से सेक कर लिया हमने। आप देख सकते हैं कि जिसमें हमने सिर्फ पानी मिलाया था जो न्यूट्रल रह गया था वो ऑरेंज कलर का ही है, और जिसमें हमने लेमन जूस मिलाया था जो एसिड नेचर का हो गया था वो पिंक, रेडिश पिंक कलर का हो गया है, आपको दिख रहा होगा। और जिसमें हमने डिटर्जेंट मिलाया था जो बेस नेचर का होता है वो येलो कलर का हो गया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये बिल्कुल येलो कलर का हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर का हो गया। तो मिथाइल ऑरेंज कुछ इस प्रकार हमें कलर चेंज करके बताता है कि कौन सा अभिकारक एसिड नेचर का होता है या फिर बेस नेचर का होता है। ये न्यूट्रल में ऑरेंज कलर का ही रह जाता है, एसिड में रेडिश पिंक कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। इसे हम इस तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं आपको कि वाटर जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है ये ऑरेंज कलर का रह जाता है, लेमन जूस जो कि एसिड नेचर का होता है इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है ये रेडिश पिंक कलर का हो जाता है, और डिटर्जेंट जो एल्कली बेस नेचर का होता है इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और इसका कलर पीला हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर्स का हमें पता चलता है इससे कि कौन सा अभिकारक एसिड है या बेस है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो में दिखाया हुआ कोई सा भी प्रयोग आप अपने घर में नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बस एक नॉलेज के लिए है।
इस वीडियो को देख के आप जान सकते हैं मिथाइल ऑरेंज किस तरह से अपना कलर बदलकर हमें बताता है कि कौन सा अभिकारक एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद भी आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।